क्या दीन में तगयुर किया जाएगा जबकि अभी मैं जिंदा हूं? खुदा की कसम अगर ये हुजूर के जमाने में जकात के ऊंटों के साथ उनके बांधने वाली रस्सी भी देते थे और अब अगर ये कहेंगे कि ऊंट ले जाओ रस्सी नहीं देंगे तभी मैं कताल करूंगा और खुदा की कसम कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं अकेला जाऊंगा। और है उमर तुम्हें क्या हो गया, तुम जाहिलियत में तो बड़े सख्त थे, इस्लाम में आकर तुम नर्म हो गए हो। ये डांट अबू बकर पिला रहे हैं उमर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अच्छी तरह जान लीजिए, अब मैं नहीं कह सकता कि मैं किस तरीके से इसको बयान करूं, कैसे ठोक ठोक कर आपके जहनों में उतार दूं। यह है असल शय, दीन का सारा स्ट्रक्चर ही बिल्कुल रिवर्स हो जाता, द होल वैल्यू स्ट्रक्चर एब्सोल्यूटली चेंजेस। दीन गालिब है तो वो सारी बातें हैं जो हमने खूब याद की हुई हैं, आशे हुकूक वालदेन भी तो है ना, आखिर बच्चों के हुकूक भी तो है ना। ये हुकूक वालदेन जो है उन मुहाजरीन को याद नहीं आए जो अपने मां बाप को छोड़कर मदीने पहुंच गए थे, या औलाद के हुकूक उन्हें याद नहीं आए, बीवियों के हुकूक याद नहीं आए, वो तो फैनेटिक्स थे ना, पागल थे ना। मदीने के मुनाफिकीन ने उन्हें सुफहा कहा था, बेवकूफ लोग हैं ये, अनोमिनो कमा आप ना सुफहा, दिस फूल्स, दिस फैनेटिक्स। ये सारी हदीसें आपको याद हैं। फर्क है, इस्लाम गालिब है तो मसला कुछ और। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, नवाफिल है, नवाफिल पर नवाफिल है, जितनी तरक्की कीजिए दुनिया में करना चाहे दुनिया में कीजिए, रूहानी तरक्की करना चाहे रूहानी तरक्की कीजिए, सारे मैदान खुले। इल्म में, प्रोफेशन में, किसी खास फन में तरक्की करना चाहे कीजिए, दीन गालिब नहीं है और आप खुद 50%, 60%, 70%, 90% काफिर हैं, इसलिए कि उस माहौल का जुज है जिसमें कुफर का निजाम है। तो पहला काम तो अपने आप को उस कुफर से निजात दिलाना होगा, फिर नमाज भी इसी के लिए है, वस्ताइनू बिस्सब्र वस्सला, मदद हासिल करो नमाज से। किस काम के लिए मदद हासिल करो? द मिशन टू मेक द दीन ऑफ अल्लाह सुप्रीम, अन अकीमुद्दीन। नमाज इसके लिए सबसर्वियंट है, इसके लिए मदद है, रोजा उसी के लिए जंग करने की सलाहियत पैदा करने के लिए है। इसलिए 23वें रुकू में सूरह बकरा के रोजे और रमजान के अहकाम है, 24वें रुकू में क़ताल शुरू हो गया, क़ातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। और अरब जो है वो रोजा रखवाते ही सिर्फ घोड़ों को थे, खुद तो रखते ही नहीं थे, क्योंकि घोड़े को इस्तेमाल करते थे लूटमार में, गारतगरी में, जंगों में, और घोड़ा है नरम नाजुक मिजाज जानवर, प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऊंट तो कर जाता, चाहिए था उन्हें घोड़ा, लिहाजा घोड़े को आदि बनाते थे धूप का, प्यास का, भूख का, ताकि ऐसा ना हो कि एहन मार्के का वक्त और घोड़े साहब जवाब दिए बैठे हो तो सवार क्या करेगा। तो सामा यसूमू अरबी जबान में घोड़े के लिए था, इंसानों के लिए था ही नहीं। ये तो मदीने में आने के बाद फिर हुजूर ने यहूदियों को देखा कि रोजा रखते हैं, तो आपने भी मुसलमानों से कहा आशूरा का रोजा है वगैरह वगैरह, छोड़ दीजिए इस बात को, लंबी हो जाएगी। ये सारी चीजें असल में है उस मकसद के, अब देखिए कि अब प्रैक्टिकली हम आते हैं मसले के ऊपर। आई होप मैं इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, रियली मुमकिन नहीं है कि मैं अपने एहसास को जैसे कि मेरे हैं आप तक मुंतकिल कर दूं। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो 30-30 बरस से मुझे सुन रहे हैं और ये सारी बातें सुन रहे हैं और टस से बस नहीं होती, जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, उनका वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट 1400 बरस में जाकर जो है मुकम्मल हुआ, पुख्ता। 30 बरस थे खिलाफत राष्ट्र के, उसके बाद डाउनफॉल, कॉन्सेप्ट स्टार्टेड चेंजिंग, दीन मजहब बनता चला गया, सारा एम्फेसिस नमाज रोजे हज इबादत पर हो गया,
दीन का तसव्वुर ही खत्म हो। और फिर हम में से जो लोग गुलाम रहे वो तो इतने फूगर हो गए कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा था ये कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे हुक्मरानों को अंग्रेजों को परेशानी का मुजीब बन जाए, इसलिए कि उन्होंने हमें मजहबी आजादी दी हुई है, हमारे नमाज पढ़ने पे कोई कदगन नहीं है, हमारे रोजा रखने पे कदगन नहीं है, हज करने पे कदगन नहीं है, लिहाजा वी शुड बी लॉयल टू देम। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। ये कॉन्सेप्ट इतने पुख्ता हो चुके हैं, इतने पुख्ता हो चुके रिचुअलिज्म रसूमात, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, नमाज और रोजा और कुर्बानी और हज ये सब बाकी है तू बाकी नहीं। नमाजें भी है रोजे भी हैं तरावी भी हमने पढ़ी है, अब मौसम आ रहा ईद उल अज़हा भी होगी कुर्बानी भी होगी हज के लिए भी जाएंगे, लेकिन दुनिया पर कोई असर इसका? 30 लाख आदमी हज करके आएंगे, माशरे पर कोई जीरो के बराबर भी कोई असर है? जो खुद जाकर करके आते हैं उन पर कोई असर होता है? जैसे गए वैसे आए, उल्टा ये कि ये और कॉन्फिडेंस ले आए कि पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, अब असर नौ करने की छूट है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं अपना 33 साल का तजुर्बा आपको बता रहा हूं, असल डिसाइसिव पॉइंट इसको समझ ले अगर तो आपका पूरा तसव्वुर बदल जाएगा, वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर जो भी है वो है।